दिगंबर हंसदा जी के अनुयायीगण, मैं सबसे पहले पद्मश्री दिगंबर हंसदा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं और संतारते मन साते ते होमर हलन नवा अक्तरे नवा कमी हो रे सनाम को तलारे उन्हीं उयेरी कना उन्हीं जीवन सर्वोपरि रे सुख शांति रे तहन माए और उड़े को ये हुआ उन्हें आशीष तारस द जीवन अब वो बनियामा जब उनका देहांत हुआ लोग सोशल मीडिया में फेसबुक में संदेश का विचार का आदान प्रदान करते हैं। मैंने तुरंत अपने हिंदी में वाक्य बनाया, मैं भी उनको इस तरह से श्रद्धांजलि अर्पित किया। मैं आज उनको याद करते हुए दूर आ रहा हूं। जब पद्मश्री की उपाधि मिली तब भी अखबारों के सुर्खियों में, जब पद्मश्री की उपाधि मिली तब भी अखबारों के सुर्खियों में, जब इतिश्री की समाधि मिली तब भी अखबारों की सुर्खी में, मैं दिवंगत आत्मा दिगंबर को, दिगंबर को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैंने सोशल मीडिया पर ऐसे इस्तेमाल किया और संथाली में मैंने यही बात एक लाइन में देखा कि तेहेंगे कमी में पछे गपचुम बुझुआ, तेहेंगे कमी में पछे गपचुम बुझुआ, नौकला कमी में हम तो तीसुमा बुझुआ, जमन दिगंबर हंसदा तो तीसुमा बुझुआ। यही मेरा श्रद्धांजलि का वाक्य है। इससे और ज्यादा बहुत बहुत कुछ है, अनेक अनगिनत उपाधियां, अनगिनत उपलब्धियां, उनका केवल आज जीवन की समर गाथा शेष है। अब हमें इतिहास में उनका मूल्यांकन करने की जरूरत है। मैं प्रस्ताव देना चाहूंगा, मैं एक लाइन में याद करता हूं, बहुत लोगों के शादी ब्याह में लोग रिसेप्शन में जाते हैं आशीर्वाद देते हैं, मैं वैसा शिष्य बना, मैं प्रत्यक्ष रूप से पद्मश्री प्रोफेसर दिगंबर हंसदा के शिष्य नहीं रहे, लेकिन मैं उनको गुरु माना। जब तीन दिग्गज उपस्थित थे रांची में तो उनका जुबान से एक बात सुना, अरे सुर सिंह मिश्रा ने LBSM कॉलेज को खाली कर दिया, जितना पठन पाठन विद्यार्थी था सब अच्छी हो गया, ये कम नहीं है होता है। डॉक्टर रामदयाल मुंडा भाई चांसलर थे, डॉक्टर बीपी केसरी नौ भाषा के विभाग अध्यक्ष थे, प्रोफेसर दिगंबर हंसदा LBSM कॉलेज के प्रचार थे, प्रिंसिपल तीनों थे रांची में, मैं मौजूद था। कहा इसको देखो, LBSM कॉलेज को पूरा स्टूडेंट को आश्वस्त कर दिया। डॉक्टर बीपी केसरी बोला सुर सिंह बेसरा भी तो यहां पूरे नौ भाषा का विभाग को पूरा आश्वस्त कर दिया। रामदयाल मुंडा बोला मैं भी खुद आश्चर्य हो गया, कितना बड़ा संयोग था बताइए। दिगंबर हंसदा ने कहा कि सूर सिंह मिश्रा क्या डमन, क्या समीर डमन साहू, मैं दिगंबर आत्मा को ईश्वर से मरण गुरु से प्रेरणा करता हूं लेकिन याद करता हूं। उन्होंने कहा कि डोमन साहू सुमीर की तरह सुर सिंह मिश्रा भी माहली होकर सत्ता लाए,
मैंने अपने जीवन की गाथा में इतिहास में लिख लिया कि डोमन शाही समीर जो है की तरह सूर सिंह बेसरा महले होते हुए अभी ये सत्ता है। मैं इनको हमेशा याद करूंगा। मैं अपने जीवनी कथा ऑटोबायोग्राफी में इस संरक्षण में लिपिबद्ध किया हूं। मेरी शादी मैंने हम दोनों की शादी 28 जनवरी 1988 को हुआ। रामदयाल मुंडा ड्राइवर अपना गाड़ी वाइस चांसलर वो घोड़ा बंदा नहीं आके आशीर्वाद देने वो प्रोफेसर दिगंबर हजदा प्रिंसिपल के घर आ गए। वाइस चांसलर आता है प्रिंसिपल के घर, सोच रहे हैं आप क्या जोड़ी था इन लोगों का। वाइस चांसलर रांची विश्वविद्यालय और सीधे आता है करंडी, प्रोफेसर दिगंबर हजदा को ले जाते हैं और कोई कहीं से कागज एक तो निकाल लिया रूलिंग वाला छोटा सा कागज, उसमें लिख दिया सूर सिंह बेसरा और कुंती आप दोनों का शादी शुभकामनाएं। रामदयाल मुंडा का सिग्नेचर देखे आप लोग हिंदी में ऐसा सिग्नेचर करते हैं पूरा रामदयाल मुंडा छोटा नहीं है पूरा नाम कर क्या आर्टिफिशियल से किसी के पास आप लोगों का होगा, मेरे पास तो है रामदयाल मुंडा एक बड़ा लिखे और उसी बीच में दिगंबर हजदा साइन कर दिया। ऐसा सौभाग्य मुझे मिला कि मेरी शादी में 28 जनवरी 1988 में एक भाई चांसलर एक प्रिंसिपल दोनों ने आशीर्वाद दिया और ना जाने मेरे किस्मत 88 के बाद ही कहां चमक गया आज दोनों नहीं है, कहा जाए तो तीनों नहीं है। डॉक्टर बीपी केसरी नहीं है, नौ भाषा के विद्वान रामदयाल मुंडा मुंडा थे लेकिन संथाल भी हो भी उतने ही है जितना आदिवासी थे रामदयाल मुंडा उतने मूलवासी थे। इसलिए मैं प्रस्ताव देना चाहता हूं कि हमारे लिए डॉक्टर अंबेडकर के बराबर है, पूरे विश्व के संथाल आदिवासी के लिए पद्मश्री प्रोफेसर दिगंबर हजदा संताली संविधान के अंबेडकर है। मैं ऐसा श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। ये संतालों का अंबेडकर है, संविधान का संताली संविधान का अंबेडकर है। हम लोग प्रस्ताव दिए थे संताल यूनिवर्सिटी में कि बड़ा संयोग होगा कि संताल यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति द्रौपदी मुर्मू को बनाया जाए। नियमत किसी भी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति चांसलर होते हैं, सौभाग्य होगा एक संथाल चांसलर और कुलपति का प्रस्ताव इनका था लेकिन इनका स्वास्थ्य बोला हम घाटशिला संभाल रहे हैं, 500 से ज्यादा संथाली बच्चे संथाली में पढ़ते हैं, अभी नहीं कर पाएंगे, नहीं तो ये कुलपति होते संथाल विश्वविद्यालय के। प्रस्ताव था, उन्होंने कहा मेरा स्वास्थ्य काम नहीं कर रहा है, अभी हम नहीं कर पाएंगे। हमारा प्रस्ताव है एक स्मारक समिति बनाया जाए और करंडी के चौक में जो चौक छोटा पड़ेगा लेकिन फिर भी उसी छोटा में उनका मान महत्व ज्यादा बनेगा, किसी कोना में किसी स्कूल गली में कॉलेज में कहीं भी ऐसा स्टेच्यू नहीं बनना चाहिए, पूरे जमशेदपुर में एक उसका स्मृति बने मूर्ति बने। और हो सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूं, आप लोग विचार कीजिए, करंडी चौक जहां LBSM कॉलेज रोड और परसों भी जाने वाला और मेन रोड जगह बनाया जाए छोटा ही सही, एक स्मारक समिति बने और उसका मूर्ति का स्थापना वहां पे किया जाना चाहिए, मेरा प्रस्ताव है। दूसरा है कि उसी स्मारक समिति का दो पार्ट का सब कमिटी बनाया जाए जिसमें हिंदी में उनकी जीवन इतिहास को लिखा जाना चाहिए
और दूसरा संथाली वंचित है। जो रविंद्रनाथ मुर्मू ने धारावाहिक जो वर्णन किया है, बहुत बड़ा मूल्यांकन होगा उनकी जिंदगी की, उपलब्धि बहुत बड़ी होगी। बोल देना, स्मरण कर देना, खत्म हो गया, नहीं, लिपिबद्ध इन रिटेन किताब पुस्तक होना चाहिए। बाकी कई भाषा में अनुवाद होगा, लेकिन लिखने के लिए दो कमिटी बनना चाहिए, एक हिंदी में लिखने का कमिटी राइट अप, दूसरा संथाली में ओलछिके में जीवन इतिहास को लिपिबद्ध किया जाए क्रमबद्ध तारीख वाइज, बहुत बड़ा प्रेरणा मिलेगा। तो एक तो स्मारक समिति बने, उसी स्मारक समिति का दो साल कमेटी बने लिखने के लिए, और मूर्ति का स्थापन किया जाना चाहिए। मेरे ख्याल से, मेरे व्यक्तिगत विचार के रूप से नवा अडी मरान नवा श्रद्धांजलि हुई दलिया नियम करते सनम को जो है बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे श्री सुरेश सिंह बेसरा, पूर्व विधायक झारखंड। इससे पहले